हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी के टॉप एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आज मैं आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल त्रिशा कृष्णन के बारे में, जिन्हें हम तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने तमिल तेलुगु के साथ मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1999 की मूवी तमिल मूवी जोड़ी से की थी एज स्पोर्टिंग तौर पर, और इनकी फर्स्ट लीड रोल मूवी थी जो रिलीज होने वाली थी 2002 की मौनम पेशी यादे, जिसको अमीर ने डायरेक्ट किया था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इनकी अन्य सक्सेसफुल मूवी में सामी 2003 और गिल्ली 2004 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी शामिल हैं। इन्होंने तेलुगु में अपने करियर की शुरुआत एक अनसक्सेसफुल मूवी से की थी, और इनकी तेलुगु की पहली सक्सेसफुल मूवी थी वर्षम जो 2004 में रिलीज हुई थी। इसके लिए इन्हें साउथ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था, और इसी के साथ ही इन्हें 2 बार नंदी अवार्ड से नवाजा गया है। इनकी फिल्म नुवस्त नाते नेनु नाते 2005 और अदावारी मतकालू के लिए 2010 में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था मूवी खट्टा मीठा से, जो प्रियदर्शन की मलयालम मूवी का हिंदी रीमेक थी। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज़ की हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण भारतीय नहीं हिंदी भाषी लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करके देखा जाता है। आज हम इनकी हिट और फ्लॉप मूवीज़ के बारे में जानेंगे और इनका करियर एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि इन्होंने करियर में कितनी मूवीज़ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, इन्होंने करियर की शुरुआत की मौनम पिशियाडे से, जिसका डायरेक्शन किया मीर सुल्तान ने। कास्ट में थे सूर्या, त्रिशा कृष्णन और नंदा। मूवी 2002 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर दो, मना सेलम, जिसका डायरेक्शन किया था संतोष ने। कास्ट में थे श्रीकांत, त्रिशा कृष्णन और नसर। मूवी 2003 को रिलीज हुई और नेगेटिव रिव्यू के कारण मूवी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। नंबर तीन, एक्शन थ्रिलर मूवी सामी, जिसका डायरेक्शन किया हरी ने। कास्ट में थे विक्रम, त्रिशा कृष्णन और विवेक। मूवी को 7.3 की एमडीबी रेटिंग प्राप्त हुई और यह 2003 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी साबित हुई और ब्लॉकबस्टर रही। नंबर चार, लेसे लेसे, जिसका डायरेक्शन किया प्रियदर्शन ने। कास्ट में थे श्याम, त्रिशा कृष्णा और विवेक। मूवी 2003 को रिलीज हुई और 6 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर पाँच, अलाई, जिसका डायरेक्शन किया था विक्रम के कुमार ने। कास्ट में थे टीआर सिलिम्बरसन, त्रिशा कृष्णन और विवेक। मूवी 2003 को रिलीज हुई थी और नेगेटिव रिव्यू के कारण यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नंबर छः, इनकी पहली तेलुगु मूवी इनाकू 20 उनाकू 18, जिसका डायरेक्शन किया ज्योति कृष्णा ने। कास्ट में थे तरुण, त्रिशा कृष्णा और श्रिया शरण। श्रिया शरण की यह पहली मूवी थी। मूवी 2003 को रिलीज हुई और 4.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ फ्लॉप साबित हुई। नंबर सात, वर्षम, जिसका डायरेक्शन किया था शोभन ने। कास्ट में थे प्रभास, त्रिशा कृष्णा और गोपीचंद। मूवी 2004 को रिलीज हुई और 7.41 की एमडीबी रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। नंबर आठ, गिली, जिसका डायरेक्शन किया था धारनी ने। कास्ट में थे विजय, त्रिशा कृष्णन और प्रकाश राज। मूवी 7.6 की एमडीबी रेटिंग के साथ 2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी। नंबर नौ, अयाथे इजहूतू, जिसका डायरेक्शन किया मणि रत्नम ने। कास्ट में थे सूर्य, आर माधवन, सिद्धार्थ और त्रिशा कृष्णन। मूवी 2004 को रिलीज हुई और 7.4 की एमडीबी रेटिंग के साथ हिट साबित हुई। नंबर दस, थिरुपाची, जिसका डायरेक्शन किया पेरा रासू ने। कास्ट में थे विजय, त्रिशा कृष्णन और मालिका। मूवी 2005 को रिलीज हुई और 5.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। नंबर 11, नुवस्त नाते नेनु दनाते, जिसका डायरेक्शन किया प्रभुदेवा ने। कास्ट में थे सिद्धार्थ, त्रिशा कृष्णा और श्रीहरी। मूवी 7.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 12, जी, जिसका डायरेक्शन किया एन लिंगुस्वामी ने। कास्ट में थे अजीत कुमार, त्रिशा कृष्णा, विजय कुमार। मूवी 2005 को रिलीज हुई और 4.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ एक एवरेज फिल्म साबित हुई। हालांकि कई वेबसाइट्स इस मूवी को फ्लॉप फिल्म भी करार देती हैं। नंबर 13, अथाडू, जिसका डायरेक्शन किया था त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। कास्ट में थे महेश बाबू, त्रिशा कृष्णा और सोनू सूद। मूवी 2005 को रिलीज हुई थी और 8.4 की एमडीबी रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और 2005 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल तेलुगु मूवी भी साबित हुई थी। नंबर 14, अलारी बुलोडू, जिसका डायरेक्शन किया था राघवेंद्र राव ने। कास्ट में थे नितिन, त्रिशा कृष्णा और राठी। मूवी को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू प्राप्त हुए और रोमांटिक कॉमेडी किसी को पसंद नहीं आई और यह डिजास्टर साबित हुई। नंबर 15, आरू, जिसका डायरेक्शन किया हरी ने। कास्ट में थे सूर्या, त्रिशा कृष्णन और विवेक। मूवी 5.7 की एमडीबी रेटिंग के साथ 2005 की हिट फिल्म साबित हुई थी। इसमें फुल ऑन एक्शन देखने को मिला। नंबर 16,
आथी, जिसका डायरेक्शन किया था रमन्ना ने। कास्ट में थे विजय, त्रिशा कृष्णा, प्रकाश राज। मूवी 2006 को रिलीज हुई और 3.7 की IMDb रेटिंग के बावजूद मूवी एक एवरेज फिल्म करार दिया गया था। हालांकि इस मूवी को भी कई वेबसाइट्स फ्लॉप फिल्म बताते हैं। नंबर 17 पुरानमी, जिसका डायरेक्शन किया प्रभु देवा ने। कास्ट में थे प्रभास, त्रिशा कृष्णा और चार्मी कौर। मूवी 2006 को रिलीज हुई और 5.8 की IMDb रेटिंग वाली ये एक्शन कॉमेडी मूवी एक्शन रोमांस मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 18 समथिंग समथिंग, जिसका डायरेक्शन किया मोहन राजा ने। कास्ट में थे जयम रवि, त्रिशा कृष्णा और प्रभु। मूवी 2006 को रिलीज हुई और 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। नंबर 19 स्टालिन, जिसका डायरेक्शन किया AR मुरुगदोस ने। कास्ट में थे चिरंजीवी, त्रिशा कृष्णा, प्रकाश राज। मूवी 2006 को रिलीज हुई और 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। इनकी अगली मूवी थी सैनिक कुड्डू, जिसका डायरेक्शन किया गुना शेखरा ने। कास्ट में थे महेश बाबू, त्रिशा कृष्णा और इरफान खान। मूवी 2006 को रिलीज हुई थी और 5.1 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर 21 रोमांस मूवी, इनकी अधावारी मटकलू अधारलू वेरलू, जिसका डायरेक्शन किया था के सिल्वा राघवन ने। कास्ट में थे वेंकटेश डग्गुबती, त्रिशा कृष्णा और नयनतारा। मूवी को 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट का टैग मिला। नंबर 22 किरदम, जिसका डायरेक्शन किया AL विजय ने। कास्ट में थे अजीत कुमार, त्रिशा कृष्णा और राज किरण। मूवी 2007 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी है, फुल ऑन एक्शन से भरपूर थी। नंबर 23 कृष्णा, जिसका डायरेक्शन किया था VV विनायक ने। कास्ट में थे रवि तेजा, कृष्णा, त्रिशा कृष्णन और मुकुल देव। मूवी 2008 को रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। नंबर 24 भीमा, जिसका डायरेक्शन किया एन लिंगुस्वामी ने। कास्ट में थे विक्रम, त्रिशा कृष्णा और प्रकाश राज। मूवी 2008 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के एक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। नंबर 25 कुरुवी, जिसका डायरेक्शन किया धारनी ने। कास्ट में थे विजय, त्रिशा कृष्णन और सुमन। मूवी 2008 को रिलीज हुई और नेगेटिव रिव्यू के कारण एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। नंबर 26 बुज्जू गाड़ी, जिसका डायरेक्शन किया पूरू जगन्नाथ ने। कास्ट में थे प्रभास, त्रिशा कृष्णा, मोहन बाबू। मूवी 2008 को रिलीज हुई और 6.4 की IMDb रेटिंग के साथ यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नंबर 27 इस मूवी के लिए ने दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मूवी का नाम था अभियुम नानुम, जिसका डायरेक्शन किया था राधा मोहन ने। कास्ट में थे प्रकाश राज, त्रिशा कृष्णा और गणेश वेंकटरमन। मूवी को 7.5 की IMDb रेटिंग साबित मिली और 2009 की एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 28 किंग, जिसका डायरेक्शन किया था श्रीनु वेटला ने। कास्ट में थे नागार्जुन, त्रिशा कृष्णन और श्रीहरि। एक्शन से भरपूर इस मूवी को 6.5 की IMDb रेटिंग मिली और 2008 की हिट फिल्म बनकर ये सामने आई। नंबर 29 इनकी एक तमिल मूवी, जिसका नाम था सर्वम, जिसका डायरेक्शन किया विष्णुवर्धन ने। कास्ट में थे आर्या, त्रिशा कृष्णा और सीडी शेखर। मूवी 2009 को रिलीज हुई और 5.5 की IMDb रेटिंग के साथ फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 30 संकम, जिसका डायरेक्शन किया शिवा ने। कास्ट में थे गोपीचंद, त्रिशा कृष्णा, सत्यराज। मूवी 2009 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म बनकर उभरी। नंबर 31 नमो वेंकटेशा, जिसका डायरेक्शन किया श्रीनु वेटला ने। कास्ट में थे वेंकटेश डग्गुबती, त्रिशा कृष्णा और ब्रह्मानंद। मूवी 2010 को रिलीज हुई और 5.4 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। नंबर 32 विनय थांडी वारुवाए, जिसका डायरेक्शन किया था गौतम मेनन ने। कास्ट में थे सिलिम बरसन, त्रिशा कृष्णन और बाबू एंथनी। मूवी 2010 को रिलीज हुई और एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 33 इनकी पहली हिंदी मूवी खट्टा मीठा, जिसका डायरेक्शन किया प्रियदर्शन ने। कास्ट में थे अक्षय कुमार, राजपाल यादव, त्रिशा कृष्णन। मूवी 2010 को रिलीज हुई और 5.8 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 34 मन धावन अनबू, जिसका डायरेक्शन किया था के एस रवि कुमार ने। कास्ट में थे कमल हसन, आर माधवन और त्रिशा कृष्णन। मूवी 2010 को रिलीज हुई और 5.6 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 35 तीन मार, जिसका डायरेक्शन किया था जनंत प्रयाण जी ने। कास्ट में थे पवन कल्याण, त्रिशा कृष्णन, कृति खरबंदा। मूवी 2011 को रिलीज हुई और फ्लॉप साबित हुई। यह मूवी हिंदी की मूवी लव आजकल का रीमेक थी। नंबर 36 मन कथा, जिसका डायरेक्शन किया वेंकट प्रभु ने। कास्ट में थे अजीत कुमार, अर्जुन सरजा, त्रिशा कृष्णन। मूवी को 7.5 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई और 2011 की यह ब्लॉकबस्टर मूवी रही। यह इनकी 100 करोड़ मूवी भी थी। नंबर 37 बॉडीगार्ड, जिसका डायरेक्शन किया गोपीचंद मालिनी ने। कास्ट में थे वेंकटेश डग्गुबती, त्रिशा कृष्णन और सलोनी अश्विन। मूवी 2012 को रिलीज हुई और 5.1 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। यह
मलयालम मूवी बॉडीगार्ड का तेलुगु रीमेक थी। इनकी अगली मूवी एक्शन से भरपूर थी, मूवी का नाम था धामू, जिसका डायरेक्शन किया बायोपति श्रीनू ने। कास्ट में थे जूनियर एनटीआर, त्रिशा कृष्णन और मुकेश ऋषि। मूवी 2012 को रिलीज हुई और 5.3 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 39 समर, जिसका डायरेक्शन किया थीरू ने। कास्ट में थे विशाल, त्रिशा कृष्णन और सुनैना। मूवी 2013 को रिलीज हुई और 5.6 की IMDb रेटिंग के साथ एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर 40 इंद्रेद्रुम पुनगई, जिसका डायरेक्शन किया था आई अहमद ने। कास्ट में थे जीवा, त्रिशा कृष्णन और विनय राय। मूवी 2013 को रिलीज हुई और इसे बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन प्राप्त हुई और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बनकर उभरी। नंबर 41 पावर, जिसका डायरेक्शन किया के मधेश ने। कास्ट में थे पुनीत राजकुमार, त्रिशा कृष्णन और अविनाश। मूवी 2014 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यह महेश बाबू की अगाड़ू का कन्नड़ रीमेक थी। नंबर 42 यन्नी अरिंदाल, जिसका डायरेक्शन किया गौतम मेनन ने। कास्ट में थे अजीत कुमार, अरुण विजय और त्रिशा कृष्णन। मूवी 2015 को रिलीज हुई और 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। यह भी इनकी 100 करोड़ी मूवी थी। नंबर 43 लॉयन, जिसका डायरेक्शन किया सत्यदेवा ने। कास्ट में थे नंदमुरी, कल्याण राम, बालाकृष्णा, त्रिशा कृष्णन और राधिका आप्टे। मूवी 2015 को रिलीज हुई और नेगेटिव रिव्यू के कारण एवरेज साबित हुई। नंबर 44 शकलाका वलानन, जिसका डायरेक्शन किया सूरज ने। कास्ट में थे जयम रवि, त्रिशा कृष्णन और अंजलि। मूवी 2015 को रिलीज हुई और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू के कारण मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। नंबर 45 थोंगावनम, जिसका डायरेक्शन किया राजेश एम सिल्वा ने। कास्ट में थे कमल हसन, त्रिशा कृष्णन और किशोर। मूवी 2010 को रिलीज हुई और 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। इस मूवी ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 46 भूलोगम, जिसका डायरेक्शन किया था के कल्याण कृष्णा ने। कास्ट में थे जयम रवि, त्रिशा कृष्णा, प्रकाश राज। मूवी 2015 को रिलीज हुई थी और 5.8 की IMDb रेटिंग के साथ हिट साबित हुई। नंबर 47 इनकी हॉरर कॉमेडी मूवी अरान मलाई 2, जिसका डायरेक्शन किया था सुंदर सिंह ने। कास्ट में थे सिद्धार्थ, सुंदर सिंह, त्रिशा कृष्णन, हंसिका मोटवानी। मूवी 2014 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 5.2 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई थी। नंबर 48 इनकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी नाइकी, जिसका डायरेक्शन किया था गोवर्धन रेड्डी ने। कास्ट में थी त्रिशा कृष्णन, गणेश वेंकटरमन और सत्या राजेश। मूवी 2016 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर नेगेटिव रिव्यू बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए, हालांकि मूवी अबाव एवरेज साबित हुई। नंबर 49 कोडी, जिसका डायरेक्शन किया था आर एस दुरई, सिंथिल कुमार ने। कास्ट में थे धनुष, त्रिशा कृष्णा, अनुपमा, परमेश्वरन। मूवी 2016 को रिलीज हुई और 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हुई। नंबर 50 इनकी मलयालम मूवी है जुड, जिसका डायरेक्शन किया श्याम प्रसाद ने। कास्ट में थे नवीन पौली, त्रिशा कृष्णन और सिद्दीकी। मूवी 2018 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 51 मोहिनी, जिसका डायरेक्शन किया रमना महेश मदेश ने। कास्ट में थे त्रिशा कृष्णा, जैकी बगनानी, मुकेश तिवारी। मूवी 2018 को रिलीज हुई और नेगेटिव रिव्यू के कारण फ्लॉप साबित हुई। नंबर 52 96, जिसका डायरेक्शन किया था शिव प्रेम कुमार ने। कास्ट में थे विजय सेतुपति, त्रिशा कृष्णा और वर्षा बोलमा। मूवी 2018 को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 53 पेटा, जिसका डायरेक्शन किया था कार्तिक सुब्बाराज ने। कास्ट में थे रजनीकांत, शशि कुमार, एम शशि कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, त्रिशा कृष्णन। मूवी 2019 को रिलीज हुई और 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ 250 करोड़ कमाकर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 54 इनकी आने वाली मूवीज परम प्रधम विलायतु, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं के थिरुनामंगलम। कास्ट में है त्रिशा कृष्णन, नंदा दुर्रई और रिचर्ड ऋषि। मूवी 2020 को रिलीज होगी, आप हमें कमेंट करके बताएं यह हॉरर ड्रामा मूवी कैसी होने वाली है। नंबर 55 रंगी, एक तमिल मूवी, जिसका डायरेक्शन कर रही है एम सरवानन। कास्ट में होंगी त्रिशा कृष्णन और अंशवारान रंजन। यह मूवी भी हमें 2020 बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर दिखाई देगी। नंबर 56 मलयालम मूवी राम, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं जीतू जोसेफ। कास्ट में होंगे मोहनलाल, त्रिशा कृष्णन, इंद्रजीत सुकुमारन। यह मूवी हमें अगस्त 2020 में दिखाई देगी, आप हमें कमेंट करके बताना यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करती है। नंबर 58 इनकी एक और आने वाली मूवी पोनियन सेनवल, जिसकी कास्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं मणिरत्नम। कास्ट में है विक्रम करथी, जयम रवि, ऐश्वर्या राय, श्रुति हसन, त्रिशा कृष्णन। मूवी अप्रैल 2021 में हमें बॉक्स ऑफिस पर दिखाई देगी। इसमें हमें करिकालन का राज्य टाइम दिखाया जाएगा। तो ये थी कुछ उनकी आने वाली मूवीज़, त्रिशा कृष्णन मैम की और उनकी कुछ हिट और फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट।
तो ये था इनका कंप्लीट करियर एनालिसिस, जिसमें हमने आपको उनकी हिट फ्लॉप मूवीज़ के बारे में बताया। आपको त्रिशा कृष्णन मैम की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ आपको उनकी कौन सी मूवी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना लाता ही रहता हूँ। और साथ आप किस एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस देखना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उन पर वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।